हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई कार्डियक सर्जरी का पेशेंट आया है जिसका बाईपास हुआ है, ठीक है, या फिर स्टेंट इम्प्लांटेशन किया है, PTCA किया है, तो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी ये पेशेंट हमारा आया, ठीक है, गुड मॉर्निंग, सीट, ओके, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो जैसे कि अभी हमारा पेशेंट आया और रेस्ट कर रहा है, तो हमें एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमें ब्लड प्रेशर और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, राइट? गिव मी योर फिंगर। तो ये जो हम एग्जैक्ट अगर पेशेंट आएगा उसके बाद हम लेंगे उसका SpO2, उसका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, इसे हम बोलेंगे रेस्टिंग मेजरमेंट, ठीक है। रेस्टिंग के टाइम पे पेशेंट की ये सारी पल्स रेट, हार्ट रेट, वो हमें मेज़र करनी होती है। तो ये है BP का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इससे हमें मेज़रमेंट करना होता है ब्लड प्रेशर का। ऑलवेज जो BP मेज़र करते हैं उसे हमें हार्ट लेवल पे ही रख के मेज़र करना है। तो अभी पेशेंट का BP आया है 125/80, ओके, तो ये हो गया इसका रेस्टिंग BP ऑफ कर। अब उसके बाद देखिए, ये रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है रेस्टिंग BP, ठीक है। तो उसका हार्ट रेट, SpO2 और BP हमने लिख दिया। जैसे उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज, तो उसमें हम देखेंगे वार्म अप। सो लेट्स सी, पेशेंट है आपका, जैसे कि आप फर्स्ट डे, तो आपको मैं वार्म अप एक्सरसाइज बताती हूँ, ठीक है। अगर ये पेशेंट है CABG का, तो हमें फर्स्ट डे कौन कौन सी एक्सरसाइज बताएंगे। चलो, तो आपको पहले करना है ऐसे, 10 टाइम्स करना है, 2, 3 स्टॉप कर दे। अभी मैं आपको बताती हूँ सेकेंड एक्सरसाइज, मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ लेकिन वो आपको 10 टाइम्स करनी है, ठीक। तो चलिए, सेकेंड एक्सरसाइज है ऐसे करना है, डू, ओके, वेरी गुड। चलो थर्ड एक्सरसाइज, दिस, उसके बाद रिस्ट ओपन क्लोज, ठीक है। अगर CABG का पेशेंट रहेगा तो हमें ये सारी एक्सरसाइज और ये सारी एक्सरसाइज नहीं करवाएं, क्योंकि उसके इंसीजन होते हैं तो उस पर ज़्यादा फोर्स आता है, ठीक है। चलो अब हमें आपको करवानी है ट्रंक एक्सरसाइज, तो आपको इस तरह से ट्रंक होता है, वेरी गुड, स्टॉप कर, लोअर लिम्ब एक्सरसाइज, ठीक है। आपको क्या करना है पहले इस तरह से, हाँ, 1, 2, 3, ओके, ये भी आपको 10 टाइम्स करनी है। उसके बाद आपको लेग को आगे की तरफ लेके और फिर ओरिजिन, 1, कमर में से स्ट्रेट लेना, इसी तरह से ये पैर में, यस, अब साइड में लेके जाना है, 1, इस साइड, वेरी गुड। चलिए अभी पीछे लेके जाना है, वेरी गुड, बस। तो अभी वार्म अप हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को ये जो लीड्स होती है, ठीक है, ECG लीड्स, ये लीड्स पेशेंट के चेस्ट पे लगा देनी है और उसको वहाँ स्क्रीन पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो वहाँ पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो शो होगा। उसके बाद हम पेशेंट को धीरे धीरे ये सारे मशीन करवाएंगे, इसे स्टेप मिल बोलते हैं, ये रोइंग मशीन है, ट्रेडमिल, साइकिल, ये सारे मशीन आपको करवाने के बाद वापस से पेशेंट का BP मेज़रमेंट लेना है, ठीक है।
तो इस फॉर्म में फिर आपको लिखना है। जैसे ये वार्म अप हो गया, उसके बाद ट्रेडमिल जैसे कि ये 6 मिनट वॉक पेस है, बीपी हार्ट रेट लेना है। फिर साइकिलिंग 10 मिनट्स करवाना है, बीपी हार्ट रेट। ईएल करवाना है, बीपी हार्ट रेट। फिर एसएम और फिर रोइंग। तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन के पेशेंट आते हैं तो उसमें हम अगर ट्रेडमिल पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये लीड लगाना ज़रूरी है। ठीक है, चलो बता। फोर लीड होते हैं और इसके साथ हमें कनेक्ट करना है। चलिए कनेक्ट कीजिए। अब ये कनेक्ट हो गया है। अब कैसे लगाना है, जैसे ये रेड है तो इसे इस साइड पे लगाना है, राइट साइड। ठीक है, फिर ब्लैक उसे यहाँ नीचे लगाना है, फिर येल्लो यहाँ पे येल्लो, और फिर नीचे यहाँ पे ग्रीन। तो इस तरह से प्लेसमेंट कर देनी है और फिर इसको इस टेली मीटर पे कनेक्ट करना है। ये सेल है तो हम इसमें आ जाइए। ओके, चलो अब स्टार्ट कैसे करना है। यस, बीच बीच में पेशेंट को पूछते रहना है कि आपको कंफर्टेबल है ना। ओके, तो ये ट्रेडमिल हो गया। उसके बाद आपको पेशेंट का तुरंत ही बीपी और पल्स रेट, हार्ट रेट जो भी ले लेना है। उसके बाद हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट करवाना है, जैसे इलेक्ट्रिकल साइकिल हो गया। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल साइकिल, तो ये आपको 10 या 20 मिनट्स करवाना है, रेजिस्टेंस सेट करके फिर बीपी और हार्ट रेट लेना है। ये है हमारा स्टेटिक साइकिल, ये आपको 10 मिनट्स करवाना है, वापस से बीपी और हार्ट रेट लेना है। ये है रोइंग मशीन, तो इसमें आपको 27-30 स्ट्रोक्स करवा के वापस बीपी लेना है। ये तो हमारा ट्रेडमिल है। और इसी तरह से दूसरे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि स्टेप मिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है स्टेप मिल। तो इसमें भी आपको 4 मिनट या 6 मिनट इंटरवल का प्रोग्राम सेट करके पेशेंट को कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करवाना है। और यहाँ पे जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको जो वो टेलीमेट्रिक कनेक्ट होता है तो उसके थ्रू आपको हार्ट रेट शो होता है पेशेंट का। तो मैक्सिमम हार्ट रेट और टारगेट हार्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको गोल सेट करना है। टारगेट हार्ट रेट के ऊपर पेशेंट का हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए। तो ये था कुछ कार्डियक रिहैबिलिटेशन का डेमो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।